बाद तो कभी किसी ने सी का प्रोग्राम लिख के नहीं लिखा, सबकी तरफ से मैं गारंटी लेने को तैयार हूँ। हो सकता है पेपर जब था तब कोशिश की हो, पर पेपर हो जाने के बाद बस आज संडे सर बोर हो रहा था, कोई दोस्त नहीं था तो चार प्रोग्राम लिख के लिए नहीं। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बड़ा सा सॉफ्टवेयर पहले झटके में चल जाए। अभी ये आईआईटी में एक कंपटीशन हुआ था, उस कंपटीशन के लिए बहुत सारे लंगड़े घोड़े दौड़ना चालू कर दिए थे। नागपुर से एक भी प्रोजेक्ट इवन शायद क्वालिफाई नहीं हुआ, ये मुझे स्टूडेंट्स ने ही बताया। कुछ तो भी कहीं से तो भी लैब से सामान उठा के लेके आने का और चला के देखते, 8-8, 10-10 हजार रुपया हर एक स्टूडेंट ने खर्च किया और आखिरी में प्रोजेक्ट चला गया। 32 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए गए 700 में से, ये मुझे स्टूडेंट ने बताया जो आईआईटी जाके आया। बाकी सब लीजिए, पर फिर भी अगले साल फिर से वही करेंगे। नो वन विल प्लान की समर से सर काम करते हैं, हर कंपोनेंट को खुद समझने की कोशिश करते हैं और चार महीने में इसको खड़ा करते हैं। ऐसे कैसे नहीं खड़ा होता, प्रोजेक्ट तो चलेगा, प्रोजेक्ट बनाते ही आने को। और अगर हमारा ये अप्रोच नहीं है कि ऐसे कैसे नहीं चलता, तो फिर इंजीनियरिंग कर पाना मुश्किल है। डिग्री हो जाएगी, कागज पे हो जाओगे, पर एज ए इंजीनियर काम करना है तो मोस्ट ऑफ द इंजीनियर से याद रखना बिना कागज के भी काम किए। बिल गेट्स का एक फेमस कोट है, मुझे डिग्री नहीं मिली पर आज मेरे यहाँ पे वो लोग काम करते जो वंस अपॉन अ टाइम मेरे कॉलेज के बहुत इंटेलेक्चुअल थे, आज मेरे यहाँ नौकरी करते। और मुझे डिग्री मिली नहीं पर लोग मेरी बनाई हुई डिग्री के पीछे दीवाने हैं और एमसीएससी के लिए पैसा फेंकने को तैयार है। स्टीव जॉब्स कभी कॉलेज नहीं गया, दैट डजंट मीन आई एम सेइंग कि आप कॉलेज क्यों जा रहे हो। हां अगेन मतलब नहीं निकालते, लॉजिक यही दिखता है बेटा। एक वो जोक आता है ना कि एक टीचर वो अल्कोहल पीने के ड्रॉबैक बता रही होती है, तो बच्चों को एक दारू के ग्लास में जर्म वर्म डालती है और एक क्रिस्टल क्लियर पानी में वर्म डालती है, तो दारू वाले के ग्लास में डाला वो मर जाता है। और फिर पूछती है बच्चों से कि व्हाट यू लर्न आउट ऑफ इट, पेट के जंतु मारने के लिए दारू पीने से। आप उसे किसी और तरीके से समझ क्या चल रहा है। एनीवे द इंटेंशन वाज वेरी सिंपल कि इसके ड्रॉबैक से वो मरता है आदमी बताने की बात की बराबर, पर समझ अगर बराबर नहीं होगी तो ये ऐसे नतीजे निकालते। इसलिए आजकल ये भी पूछना पड़ता है सेमिनार में कि बेटा नतीजा क्या निकाला ये भी बता के जाओ, नहीं तो घर जाके बोलोगे हमारे सर बोल रहे थे कॉलेज जाना जरूरी नहीं है। नो, इन लोगों को कॉलेज क्यों नहीं जा सकते ये उनकी अपनी कुछ तकलीफें होंगी। बट अगर आपने वो पिक्चरें भी देखी है थ्री इडियट्स, तो उस पिक्चर में वो आदमी कॉलेज ही जाता है। रादर उसमें वो ये भी बोलता है, अगर आपने अमीर खान को सुना होगा, क्योंकि किसी भी स्कूल में जाके बढ़ जाना फर्क क्या पड़ता है, यूनिफॉर्म पहन कोई भी क्लास, एक क्लास से टीचर ने हटा दिया तो दूसरे क्लास में जाके बढ़ जाए, कुछ तो मिलेगा। Because these are institutions where in all lecture hall something is always running. ठीक है, किसी दिन किसी टीचर के क्लास में आपने मस्ती की उसने अकल दिया, अब एजुकेशनल लाइफ में ये सभी के साथ होता है, दूसरे क्लास में जाके बैठो, पर जाके बैठो ये नहीं बोलता कि घर बात करो। So that is what you have to understand from even some of the movies. पूरे सिस्टम का जो मेरा हमेशा स्टूडेंट्स को एक अपील होता है, नॉट गोइंग टू वेस्ट योर मच ऑफ द टाइम, मुझे आधा घंटा बोलने की बात की गई थी पर मैं उतनी ही बात पर मैं आपके दिल के साथ बात लगे इस टाइप के बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट नो वेदर इट पेनिट्रेट्स थ्रू योर हार्ट और नॉट, बट बेटा कोशिश इसी की रखना कि इंजीनियर समाज सही में जीते आने को। मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि आज अगर मेरे पिताजी डॉक्टर होते और अगर रास्ते में चलते हो किसी का मेरे दोस्त का सपोज एक्सीडेंट होता है, बैठता है कहीं बुरी तरह से लगता है, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ उसको उठाता हूँ, बोलता हूँ चल मेरे पापा के पास ठीक कर दे। अब अगर उस दिन पापा उसको ठीक नहीं कर पाए
बेटे की नजर में पापा हमेशा के लिए गिर जाते, ये याद रखना। आप बाकी कितनी भी बकबक करते हो, आज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए घर में बकबक 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 फोन करता हूँ, मेरी लड़की सुनती है, 4 साल की चौथी में अभी सोने, छोटे मोटे खिलौने में इलेक्ट्रॉनिक टॉय में प्रॉब्लम आए तो ले आती है। अगर आप उसे ठीक नहीं कर सकते हो ना, तो आप बाहर क्या बकबक कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं आता। वो एक इम्प्रेशन बना ही लेगी कि अपने पिताजी भी रोज सिर्फ बकबक ही करते हैं। मेरे हेलीकॉप्टर का टूटा हुआ पंखा तो चालू नहीं होता। आपको बहुत बार अपना चीज प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि आपको आता है। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट शोइंग द डिग्री, इट इज ऑलवेज अबाउट प्रेजेंटिंग व्हाट यू कैन डू। इंडस्ट्री आपको हमेशा रिजल्ट्स मांगेगी, इंडस्ट्री आपको हमेशा आउटपुट मांगेगी, इंडस्ट्री आपको हमेशा इनोवेटिवनेस मांगेगी। अरे भैया जो ऑलरेडी लगा हुआ है वही अगर आप आगे लगा रहे हो तो मेरे को भी मालूम है किस वेंडर से लाना है, उस सिस्टम में फॉल्ट है, मुझे उसको करेक्ट करके चाहिए। आपको अगर बोला कि बेटा कुछ नया सॉल्यूशन बताओ, तो आप गूगल पे सर्च कर दे, या गूगल पे सर्च वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं कर सकता था। नो प्रोजेक्ट, द टर्म रिसर्च स्टैंड्स फॉर अगेन सर्चिंग द सेम थिंग एंड रेक्टिफाइंग इट, बट वी ऑलवेज डन द प्रोजेक्ट सर, हमारे कॉलेज में पिछले साल हो गया, करते हैं ना टर्म। कौन सी सिस्टम आज तक सक्सेसफुल है मुझे बताओ। इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस सिस्टम अपने देश में अभी तक कहीं नहीं लगी। अभी ये कॉलेज में है नहीं। ग्रुप अटेंडेंस सिस्टम आप थंब रीडर पे कभी ले ही नहीं सकते, इसमें अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जस्ट प्रेजेंटिंग वन एग्जांपल, इतनी बड़ी अगर क्लास की तादाद है, मैं बारकोड रीडर थंब रीडर ये सब कैसे लगाऊंगा कॉलेज में। थंब रीडर अगर बाहर लगाऊंगा तो पहले लेक्चर के बाद दूसरे लेक्चर में पहले लेक्चर की अटेंडेंस कैरी फॉरवर्ड हो सकती है क्या? नहीं, दूसरे लेक्चरर को दूसरी लेनी पड़ती है, क्योंकि 4 स्टूडेंट दूसरा लेक्चरर आने से पहले इधर से पतली गली घर भाग जाते हैं। सो आई कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड दैट अटेंडेंस, सो मुझे क्लास में आने के बाद सबको बोलना पड़ेगा बाहर जाओ, फिर से अंगूठा लगा के आओ, फिर तो क्लास होने से रह गई। बारकोड रीडर और प्रॉक्सिमिटी कार्ड होंगे तो फिर तो मैं मेरे दोस्त का भी लेके आऊँ एक साथ, दोनों रजिस्टर होंगे। अब इसका कोई सॉल्यूशन है? आज भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंप्लीमेंटेड नहीं। बट व्हाई दिस, वी आर नॉट रेडी टू रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि इस सिस्टम को हर कॉलेज तक कैसे पहुंचाया जाएगा। पर ये अगर किसी स्टूडेंट को हम लोग भी जैसे क्लास में बोलते ना कि बेटा अटेंडेंस सिस्टम बना के देखो मॉक के लिए, और अटेंडेंस सिस्टम बोलने का अधिकार सिर्फ कॉलेज में लगती है, पुलिस परेड ग्राउंड पे भी पुलिस की अटेंडेंस होती है। बीएसएफ के जवान जब बॉर्डर पे पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो हर शाम को और सुबह उनके ट्रुप का अटेंडेंस होता है। हाउ कैन यू हैव अ बारकोड रीडर एंड एवरीथिंग ओवर देयर? देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ हैंडल डिवाइस जिसके अंदर आप अटेंडेंस ले सकते हैं। आज भी ये पूरा एरिया अनटच्ड है और इसमें रिसर्च की बहुत बड़ी गुंजाइश है और बहुत बड़े प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। बट अगेन इफ वी जस्ट से कि सर अटेंडेंस सिस्टम ये तो बन गया है, तो फिर तो यार स्पेस शटल भी बन गया है। डू यू वांट टू मेक समथिंग बिगर देन दैट? आप कोई भी प्रोजेक्ट जब चूज करते हो तो ये याद रखना उसका नाम जब भी फाइनल हो जाएगा उसके बाद नेट पे डालना, आपको दिखेगा वो 100 बार तो ऑलरेडी बन चुका। तो फिर पहले से ये एक्सेप्ट करके क्यों नहीं चलने का कि ठीक है सर मुझे ये टॉपिक पसंद है और मैं ये बनाना चाहता हूँ। तो 3 इयर्स में अमेरिकन इन्वर्टर ही बनाता है, पर आखिरी में काम क्या? So what, sir, you are going to do? There is a need of originality, and it should be your own concept whenever you are trying to make any application. Done. वो नहीं चली तो भी चलता है। वो एक स्कूल में कहावत कहानी आपने सबने सुनी होगी। एक आदमी लकड़ी की कुल्हाड़ी से पेड़ काटते हो उसकी कुल्हाड़ी कुएं में गिरती है। वो अंदर से भगवान सोने की लाके देता है। अब आधे से ज्यादा बंदे यही सोचेंगे रख लेने को होना था कहने को ईमानदारी की पूरी वजह की क्या होता है। पर आपके घर वालों ने आपको क्या सिखाया ये बताओ। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, आपके माँ बाप ने तो आपको यही सिखाया कि बेटा लोहे की थी उसी को एक्सेप्ट करो, और वो भी वो आदमी ईमानदारी दिखाता है, लोहे की ही मेरी है बोलता है, और उसका उसे तुरंत फायदा मिलता है कि सोने की और चांदी की गिफ्ट में मिल जाता है। माने ईमानदारी रखो गिफ्ट भी मिलती है, बेईमानी कर दे तो चोर कहलाते जिंदगी भर।
और वो तो थे भगवान ही, परीक्षा ली जा रही थी, फेल हुए तो बाद में लोहे की भी नहीं मिली, जब वक्त बोला गया रहे। So if you are really trying to be innovative, it may give some wrong results initially. The project may not look very good, sir. Appearance clumsy था, पर अगर आपकी वो कोशिश है, तो वो definitely highly appreciable रहेगी. Instead of कहीं से तो भी कुछ तो भी टेप के बनाया हुआ application. So it is a appeal to every student. Whenever you are trying to make anything, be original. And whatsoever you want to do, उसमें faith रखो और उस हिसाब से बना के देखो। Projects कभी चलते हैं, कभी नहीं भी चलते। बराबर। मेरे पास कुछ film के clippings थे। आपको, आपके साथ एक 5 minute clippings share करना चाहता था। और उसके बाद हम लोग अपने seminar को खत्म करते हैं। पर कुछ जो चीज थी, वो उन clippings में काफी सीधी और स्पष्ट थी। So let's check some of the clippings. सेमिनार में आपको फिल्म दिखाने वाला शायद मैं पहला रहूंगा, कम से कम ये तो भी यूनिक चीज मैं आपके साथ ले जाना चाहता हूँ। और अगर आप बोलते हैं सर नहीं पहले दिखाएं तो भी बता दो, मैं अपनी स्टाइल बदल दूंगा। बट अगर आप इस चीज की बात करते हो, जस्ट अ मिनट, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। चालो करके अपनी जान किसी और के हाथ में दे देता है कि सर यू आर अ डॉक्टर, प्लीज ट्राई टू सेव मी। यू नेवर अंडरस्टैंड दैट ग्रेविटी की एक सर्किट भी आपको ये बोल रहा होता है कि यू आर एन इंजीनियर, प्लीज ट्राई टू सेव मी। वी नेवर टेक इट दैट सीरियसली। जलता है तो जलने देना, मरता है तो मरने दे, मुझे क्या करना है। आज एक अगर आपके सर्किट पे, टेबल पे सर्किट चलता नहीं है, तो वही कम होने को होना कि जो एक डॉक्टर को हुआ रहता कि यार आज मेरी गलती के कारण वो आदमी नहीं जी पाया। प्रोफेशनल अप्रोच अगर आप बोलते हो तो ये होने को होना कि भैया मैं मेरे प्रोफेशन के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। वो आदमी में गुंडे टाइप का आदमी एडमिट कर लेता है कि इस तरह से डॉक्टरी नहीं होती। सर ये तरीका गलत है। सर मैं ऐसा डॉक्टर नहीं बनना चाहता जो 3 क्वेश्चन घोट के डॉक्टरी कर रहा है, मैं क्या किसी को बचाऊंगा, बेहतर है मैं ये काम नहीं करूंगी। But we are not ready to change just because the system is dragging us that way. But system ही फिर अगर drag कर रही है, तो system आपको आखिरी में एक common man की जगह ही drag करेगी। जितने लोगों को लगता है कि हमें कुछ innovative करके देखना है, ठीक है कि आप एक 25,000, 40,000 शायद कमाओगे, पर college में रहते हो तो हर student जब seminar दे रहा होता है, तो खुद को यही समझ रहा होता है कि सर मैं तो बहुत कुछ नया करना चाहता हूँ। तो भैया नया करना चाहते हो तो अप्रोच वैसा बिल्ड क्यों नहीं करते? पहले दिन से ये लगने को होना कि वो सर्किट अगर मेरे से नहीं चला, एक डॉक्टर को जो गम होगा पेशेंट ठीक ना करने का, वो गम हमें कभी होता ही नहीं। उसी पिक्चर में आपने अगर एक गाना देखा होगा, आई लैंड इट विद अ लाइट नोट, बट एट द सेम टाइम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज इंजीनियरिंग। यू शुड बी पैशनेट अबाउट योर प्रोजेक्ट, you should be passionate about what you want to do, and you should be passionate about getting the results. Even if you fail to get the results, you should again stand up and start it right from scratch instead of dumping the project. इसी पिक्चर में अगर आपको एक गाना उसका मालूम होगा, तो सुसाइड करने के लिए एक आदमी आता है, तो एक हॉस्पिटल में गाना है उसका, मुन्ना भाई का, बराबर। एक लड़की दिखाई जिसका फोटो भी फेस भी नहीं दिखाते उसमें कभी, वो पूरे गाने में, और वो एक थीम बहुत प्यारी सी कॉन्फिगर की गई है वहां पे, क्यों बोलता है कि मेरी आंखों के सामने उसकी शादी हो गई और वो चली गई। फिर उसमें 2 लाइन है, सपना टूटा तो दिल कभी जलता है, हाथ थोड़ा कम हुआ पर चलता है। एंड देन वो पूछता है फिर क्या हुआ, फिर ऐश्वर्य आए। So there was another chance and the another attempt. The project was getting married. एक ही तो क्या हुआ, एक attempt नहीं चला तो क्या हुआ, दूसरा सही। Getting it? फिर चक्कर खा गया और फिर project के काम पे लग गया। भूल जाओ जो सक्सेस नहीं था,
It is said by many people, it is very easy to give lectures यहाँ खड़े रहकर मैं कहता हूँ कि भैया success is a failure is a first step towards success. पर failure भी पहले हासिल करना पड़ता है. अभी आज आप सब टेस्ट दे रहे हैं, सब तो पास होते जा रहे हैं, तो failure